हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। टोटली कंप्यूटर से जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं, वो चाहे एसएससी में हो या यूजीसी नेट में हो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर शब्द ड्राइव हुआ है, वो इंग्लिश के वर्ड कंप्यूट से ड्राइव हुआ है। ओके, द मीनिंग ऑफ कंप्यूट इज टू कैलकुलेट, राइट। कंप्यूटर जो हिंदी के इंग्लिश वर्ड से ड्राइव हुआ है, उसका मतलब है कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, ठीक है। कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक, क्लियर। कंप्यूटर की जो एब्रिविएशन है, फुल फॉर्म है, वो कंप्यूटर इंग्लिश के वर्ड से मिलके बना है, COMPUTER। ओके, तो कंप्यूटर जो जिन इंग्लिश के वर्ड से मिलके बना है, उसकी अगर मीनिंग आप क्लियर देखो, तो वो कंप्यूटर को डिफाइन करने में कैपेबल है कि एक्चुअली हाउ मच कंप्यूटर इज बेनिफिशियल एंड कितना किफायती इंसान के लाइफ में है, वो डिफाइन करता है, ठीक है। तो सी का मतलब यहाँ पे है कॉमन, ओ का मतलब है ओरिएंटेड, एम का मतलब है मशीन, पी का मतलब है पर्टिकुलरली, यू का मतलब है यूनाइटेड एंड यूज्ड अंडर, टी का मतलब है टेक्निकली, एंड ई का मतलब है एजुकेशनल, आर का मतलब है रिसर्च। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर जो शब्द कंप्यूटर जिन इंग्लिश के शब्द से मिल के बना है, उसको आप डिफाइन कह सकते हैं कॉमन ओरिएंटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूनाइटेड एंड यूज्ड अंडर टेक्निकली एंड एजुकेशनल रिसर्च। इसका मतलब क्या हुआ? कॉमन का मतलब होता है टू कॉमन, मीन्स बहुत सारी चीज़ों के लिए एक जैसा। जैसे इस प्लेनेट पे हर लिविंग बींग के लिए सन जो है, सूर्य, वो कॉमन है, ठीक है। ओरिएंटेड का मीन्स होता है टू प्रोड्यूस। मशीन तो आप जानते हो, एक मशीन क्या होती है, पर्टिकुलर मीन्स क्या होता है, स्पेसिफाइड पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए। यूनाइटेड का मतलब है असेंबल्ड है, टेक्निकली मतलब है तकनीकी, और एजुकेशन का मतलब है शिक्षा के फील्ड में, रिसर्च का मतलब होता है शोध। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर का हिंदी में मतलब आप देखो क्या निकल के आता है, एक कॉमन मशीन जो कि तकनीकी, शिक्षा और रिसर्च के कामों को करने के लिए कैपेबल हो। कहने का मतलब क्या है, एक ऐसी कॉमन मशीन जो शिक्षा, तकनीकी और शोध के कामों को करने में कैपेबल हो, ठीक है। तो आप समझ सकते हो शिक्षा, तकनीक और एजुकेशन से रिलेटेड कितने ब्रॉड ह्यूज फील्ड है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की जो एब्रिविएशन हुआ। अब बात करते हैं कंप्यूटर की जनरल डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर का जो आपको डिफाइन करना हो, तो कंप्यूटर को डिफाइन कैसे करोगे? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यू कैन से कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक रिजल्ट। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसका मतलब है द डिवाइसेस विच ऑपरेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ओके, द डिवाइसेस विच आर ऑपरेटेड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो कंप्यूटर भी आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आप कंप्यूटर को एक मशीन भी कह सकते हो, ठीक है, जो कि यूजर से इनपुट के रूप में डेटा को लेता है, उसको प्रोसेस करके एक स्पेसिफाइड रिजल्ट, या आप कह सकते हो आउटपुट डिस्प्ले करता है यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। अब कंप्यूटर में एक सेंट्रल कंपोनेंट होता है, आप कह सकते हो कंप्यूटर की ब्रेन होती है, उसका नाम है सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर में क्रूशियल रोल प्ले करता है। ओके, तो सीपीयू का जो एब्रिविएशन है, फुल फॉर्म है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सीपीयू में सी का मतलब क्या है, तो ऑप्शन दिया होता है कंट्रोल, कॉमन, कैलकुलेटर और सेंट्रल, तो वहां पे बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तो आप याद रखना कि सी का मतलब है सेंट्रल, और सेंट्रल का मतलब क्या होता है, केंद्रीय। हिंदी में सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय, और कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना, ठीक है। तो टोटली डिफरेंट है, आप याद रखना सी का मतलब सेंट्रल है, ठीक है। अब बात आती है सीपीयू में कौन कौन सी सब यूनिट होती हैं। तो सीपीयू में एएलयू, सीयू, ईयू और रजिस्टर्स होते हैं। अब बात करते हैं एएलयू क्या होता है। एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, एंड ईयू का मतलब होता है एग्जीक्यूशन यूनिट। ओके, तो फ्रेंड अरिथमेटिक का नाम ही है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका मतलब है कंप्यूटर में जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं, चाहे वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, शिफ्टिंग,
एक्सपोनेंट, जो भी इस प्रकार के ऑपरेशन होते हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेशन टोटली ALU यूनिट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट यूनिट है आपकी कंट्रोल यूनिट। तो कंप्यूटर में कंट्रोलिंग मैकेनिज्म टोटली CU देखती है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि कितने रिसोर्स प्रोसेसर के द्वारा कब किस यूनिट को प्रोवाइड कराए जाएंगे, और जैसे कंप्यूटर में प्रिंटर कनेक्ट होता है तो हाउ मेनी नंबर ऑफ पेजेस यू हैव टू प्रिंट, ओके। दिस टाइप ऑफ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म टोटली मॉनिटर्ड बाय CU, ठीक है। तो कंट्रोलिंग मीन्स आप कह सकते हो ग्रांट एंड डिनाई की जो परमिशन है वो कंट्रोल यूनिट प्रोवाइड कराती है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है एग्जीक्यूशन यूनिट। तो आपको पता है कि कंप्यूटर, जो बेसिक कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव है टू एग्जीक्यूट द ऑपरेशन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना कंप्यूटर का पहला ऑब्जेक्टिव है। तो टोटली जो एग्जीक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एग्जीक्यूशन यूनिट की है, ठीक है। प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कौन से कर्नल मोड में यूज करना है, ठीक है, उसके लिए कौन सी प्रायोरिटी हमें एल्गोरिथम यूज करनी है, वो एग्जीक्यूशन यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम डिजिटल का कंप्यूटर का है, डिजिटल ब्लॉक कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम जनरल है, वो आपको बताते हैं कि एक्चुअली कंप्यूटर टेक्निकली दिखता कैसे है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि CPU कंप्यूटर का सेंट्रल कंपोनेंट है, तो आप देख सकते हैं ब्लॉक डायग्राम से CPU एक सेंट्रल में यूनिट है जिसको बोलते हैं CPU। तो ये ब्लॉक जो है पूरा CPU है, आप देख सकते हो CPU के अंदर ALU, CU और EU, इसके अलावा रजिस्टर्स भी होते हैं, ठीक है। ALU का मतलब मैंने बताया अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, एंड EU का मतलब होता है एग्जीक्यूशन यूनिट, ठीक है। तो आप कह सकते हो CPU इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ALU, CU, EU एंड रजिस्टर्स, ओके। इस CPU से एक यूनिट कनेक्टेड होती है जिसका नाम है इनपुट यूनिट, ओके। डेटा इनपुट यूनिट से हमेशा CPU की तरफ फ्लो होता है, ना कि CPU से इनपुट यूनिट की तरफ, ओके। इनपुट यूनिट क्या होती है, इनपुट यूनिट में इनपुट डिवाइसेस अटैच होती हैं जिसके थ्रू यूजर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकता है, ओके। आप ये भी कह सकते हो यूजिंग इनपुट डिवाइसेस विच आर अटैच्ड इन इनपुट यूनिट यू कैन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड इनटू कंप्यूटर। मीन्स आप कह सकते हो बाहरी दुनिया का जो डेटा है या इंस्ट्रक्शन है वो आप कंप्यूटर को प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। इनपुट यूनिट में बहुत सी इनपुट डिवाइसेस अटैच होती हैं जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी दोस्तों हैं, पहला सबसे पॉपुलर जो इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड है, ठीक है। उसके बाद माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक और टच स्क्रीन, ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। तो इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन अगर आपको बताना हो तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, द डिवाइसेस फ्रॉम विच यू कैन इंस्ट्रक्ट टू द कंप्यूटर, ओके। ऐसी डिवाइसेस जिससे कंप्यूटर को निर्देश दिए जा सके वो सभी डिवाइसेस इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। और इनपुट डिवाइसेस इनपुट यूनिट में अटैच होती हैं, ठीक है। और एक चीज ये भी याद रखना, हमेशा इनपुट यूनिट CPU से यूनिडायरेक्शनल कनेक्टेड होती है, मींस इंफॉर्मेशन इनपुट यूनिट से CPU की तरफ फ्लो होते हैं, ना कि प्रोसेसर से इनपुट यूनिट की तरफ, मींस डायरेक्शन हमेशा इनपुट यूनिट से CPU की तरफ होती है, ओके। इसके बाद एक पॉपुलर यूनिट है जिसका नाम है आउटपुट यूनिट, ओके। तो आउटपुट यूनिट का जो फंक्शन है वो CPU के द्वारा प्रोसेस किया गया रिजल्ट या जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले करके यूजर को बता देना, यूजर को डिस्प्ले करना, ठीक है। तो आउटपुट यूनिट में भी इनपुट यूनिट की तरह बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस अटैच होती हैं, ओके, जिनका जो मेन फंक्शन होता है वो CPU के द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को डिस्प्ले कराना, ठीक है, या रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है। तो पॉपुलर आउटपुट डिवाइसेस आपकी हैं प्रिंटर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, प्लॉटर एंड स्पीकर, ये सभी आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो आपसे पूछे कोई आउटपुट डिवाइस और इनपुट आउटपुट डिफरेंस क्या है, तो आप फ्रेंड्स देख सकते हो आउटपुट डिवाइसेस हमेशा CPU के द्वारा प्रोसेस की गई इंफॉर्मेशन को यूजर को रिप्रेजेंट करने का माध्यम है, ओके। जबकि जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो CPU को इंस्ट्रक्शन देने का मीडियम है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन CPU से आउटपुट डिवाइस की तरफ फ्लो होती है, ना कि आउटपुट डिवाइस CPU की तरफ, ठीक है। ये चीज हमेशा एक नोट पॉइंट याद रखना, CPU से इंफॉर्मेशन हमेशा आउटपुट यूनिट में जाएगी, ना कि आउटपुट यूनिट से CPU की तरफ, ठीक है।
तो आपने आउटपुट यूनिट देख लिया, सीपीयू यूनिट देख लिया और इनपुट यूनिट हो गई। इसके बाद कंप्यूटर में मेमोरी क्रूशियल कंपोनेंट है, ओके। और हमें आप देख लो, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट हमेशा यूनिडायरेक्शनल वे में सीपीयू से कनेक्टेड है। हियर एज मेमोरी इज कनेक्टेड विद सीपीयू इन बाई डायरेक्शनल वे, ओके। हियर इज अ लॉजिक फॉर कनेक्टिंग बाई डायरेक्शनल कनेक्शन बिटवीन मेमोरी टू सीपीयू, ओके। फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट मेमोरी। मेमोरी इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जस्ट लाइक अ कंप्यूटर। मेमोरी आल्सो आ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मींस मेमोरी इज आल्सो ऑपरेटेड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी मेमोरी जस्ट लाइक अ यूजलेस, ओके। मेमोरी इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन। डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज किया जाता है, ठीक है। मेमोरी सीपीयू से बाई डायरेक्शनल में इसलिए कनेक्टेड है, जब सीपीयू प्रोसेस कर रहा होता है किसी भी प्रोग्राम को, तो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग सम रिक्वायर्ड प्रोग्राम फाइल मेमोरी से प्रोसेसर को नीडेड होती हैं फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ओके। आफ्टर द सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोग्राम, प्रोसेसर रिटर्न दैट प्रोग्राम फाइल इन टू मेमोरी फॉर द फर्दर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ओके। जब कभी सीपीयू किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो कुछ इसेंशियल फाइल मेमोरी से, कुछ ऑपरेटर या इस प्रकार के ऑपकोड या और प्रोग्राम फाइलें मेमोरी से सीपीयू को जरूरत पड़ती हैं, और उस प्रोग्राम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद सीपीयू उन फाइलों को पुनः मेमोरी में सेव कर देता है। इसीलिए सीपीयू से मेमोरी बाई डायरेक्शनल वे में कनेक्टेड होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों मेमोरी के टाइप, ठीक है। तो मेमोरी टाइप ऑफ मेमोरी, मेमोरी इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ओके। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी, राइट। प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। मेन मेमोरी इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप, ओके। फर्स्ट इज रैम, रोम एंड कैच मेमोरी, क्लियर। दोस्तों प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी आपकी तीन प्रकार की होती है, रैम, रोम एंड कैच मेमोरी। रैम मेमोरी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, एस रैम एंड डी रैम। एक्चुअली रैम इज क्लासिफाइड सो मेनी टाइप्स, बट इन एट यूजी एंड पीजी लेवल यू हैव टू नो अबाउट ओनली जस्ट रैम इज टू टाइप, एस रैम एंड डी रैम। ऑल्दो इन रिसर्च फील्ड रैम इज क्लासिफाइड डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, जस्ट लाइक रंबस रैम और अदर सेवरल टाइप्स ऑफ रैम, बट यू हैव टू नो ओनली टू टाइप, एस रैम एंड डी रैम, ओके। नाउ रोम इज ऑल्सो क्लासिफाइड इन टू थ्री टाइप, पी रोम, ई पी रोम एंड ई पी रोम, यू कैन से ई स्क्वायर पी रोम, ओके। थर्ड इज कैच मेमोरी, ओके। नाउ सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो क्लासिफाइड इन टू थ्री टाइप, फर्स्ट इज ऑप्टिकल मेमोरी, सेकेंड इज मैग्नेटिक मेमोरी एंड थर्ड इज ऑप्टिकल मैग्नेटिक मेमोरी, यू कैन से मैग्नेटिक ऑप्टिकल मेमोरी, मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक मेमोरी इज थर्ड टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, ओके। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट रैम, ओके। एक्चुअली रैम इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, यू कैन से रीड राइट मेमोरी, ओके। मीन्स इन रैम यू कैन रीड और राइट बोथ टाइप ऑफ ऑपरेशन, इन अदर वर्ड यू कैन से रीडिंग एंड राइटिंग बोथ टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द रैम मेमोरी, ओके। रैम इज ऑल्सो नोन ऑल्सो कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल इन कंप्यूटर रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी। द मीनिंग ऑफ वोलाटाइल इज द एबिलिटी ऑफ मेमोरी, यू कैन से फीचर ऑफ मेमोरी बाई विच इट कैन लॉस इट्स डेटा, यू कैन से इट्स कंटेंट व्हेन इलेक्ट्रिकल पावर बिकम स्विच ऑफ, मीन्स RAM hold data unless and until you provide the electric charge. It immediate losses its content when you make power switch off. Okay. Second, the type of RAM is SRAM and DRAM. Okay. SRAM, the meaning of SRAM is static RAM, means static random access memory, okay. And DRAM meaning the full form of DRAM is dynamic RAM. Here static RAM is faster than dynamic RAM, okay. And static RAM is also more costly in compared to RAM, in compared to DRAM, okay. Now we are talking about ROM.
रोंग मेमोरी आ नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ओके। रोम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम नेचर इन कंपेयर टू रैम। रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी, वेयर एज रोम इज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। मींस इट ऑलवेज इट कैन होल्ड डेटा परमानेंटली। अदर यू कैन मेक अ पावर स्विच ऑफ, इट स्टिल कंटेन डेटा, ओके। मींस द फुल फॉर्म ऑफ रोम इज रीड ओनली मेमोरी, राइट। द टाइप ऑफ रोम इज पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, यू कैन से ई स्क्वायर पी रोम। PROM means programmable read only memory, means from the programmer make a several types of program during the development, you can say building the ROM memories, okay. When ROM memories are manufactured, then programmer have to ability to make it as a programmable, okay. Next is erasable programmable read only memory, means ROM memory can be programmed and further can be erasable by the programmer, okay. EPROM memory में ऐसी ability होती है कि उसमें programmer जो अपने according उसमें program चाहे वो लिख, during manufacturing के समय programmer उसमें जो program लिख देता है वो programmer further उसको मिटा भी सकता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की memory EPROM कहलाती है, ठीक है। उसके बाद आती है EEPROM, means double E square PROM। तो double E PROM का मतलब है, या E square PROM का मतलब है electrically erasable programmable read only memory, means ऐसी read only memory जो कि programmer के द्वारा उसमें program लिखे गए हैं उसको मिटाए भी जा सकते हैं लेकिन electric charge के द्वारा। PROM can be erasable using different methods, you can say can be erasable with the help of magnetism and you can erasable it using electricity, okay. Then EEPROM can erase its data using electricity, okay. This is the full form of EEPROM, electrical erasable programmable read only memory, okay. Now we are talking about the memory, then you have to know about the units of storage, okay. The basic unit of storage is flip-flop, okay. Flip-flop is the basic memory unit, okay. Is the smallest storage unit is flip-flop. A flip-flop can store 1-bit data. A flip-flop store only 1-bit data, okay. Now bit is stand for, the meaning of bit is binary digit, okay. It can be either 0 or 1. 0 stand, you can say 0 is off and 1 is on, okay. You can take an example of ceiling fan. Ceiling fan can be only into two state. First is whenever you make a electrical charge, means fan is going to running state, you can say on state, okay. You can say on state. Then you make power switch off, it become fan start, fan stop, and it goes into off state, okay. It means binary digit will have only two value, 0 or 1, okay. Binary digit is also known as a digital value. Our digital computer is also work on the principle of digital value, it is 0 and 1, okay. Bit is the smallest unit of memory location, okay. You can say bit is the smallest unit of memory, whereas flip flop is the basic unit of storage unit, okay. Storation, okay. One flip flop can store 1-bit data, okay. After move, one nibble, here you can see one nibble equal to 4 bits, okay. After we move, the larger unit is 1 byte. 1 byte equal to 8 bits. From above both relation, 1 nibble equal to 4 bits, 1 byte equal to 8 bits, conclusion is 1 byte equal to 2 nibbles, okay. After move to larger unit, 1 KB, KB stand for kilobyte, and 1 kilobyte stand number of 1 kilobyte equivalent to 1024 bytes, okay. 1 megabyte, 1 MB, the meaning of MB is megabyte, and it
1 MB = 1024 KB, 1 GB, GB stand for gigabyte, and 1 GB equivalent to 1024 MB, okay? 1 TB, TB stand for terabyte, and 1 TB equivalent to 1024 GB. Clear? So guys, 1 TB today, our hard disk, our HDD, are now available on 1 TB storage, okay? So 1 TB is sufficient storage location for our graduation level studies, okay? Now we are talking about how type of question become on the storage of memory, okay? Suppose many competitive exam, you have to see the questions related to memory, such as how many bits in 1 GB, okay? Or you can say how many bits equivalent to 1 GB, okay? Then you have to make a solution using such type of memory units, okay? We know that 1 GB is equivalent to 1 MB, okay? 1 GB is equivalent to 1024 MB, okay? From using this formula, okay? Now we also know that 1 MB is equivalent to 1024 KB. Then we write it as 1024 into 1024 KB, okay? And we also know that 1 KB is equivalent to 1024 byte, okay? Now it become to 1024 into 1024 into 1024, it become into byte, okay? Now we also know that 1 byte contain 8 bits, okay? So it become 1 GB is equivalent to 1024 into 1024 into 1024 into 8 bits, okay? So guys, 1 GB equivalent to 1024 into 1024 into 1024 into 8 bits, okay? In some questions, there is no option of such type. Some, after making simplification, option is given. So you have to know about some mathematical facts. We know that the power of any number is become to zero. Sorry, guys, the power of any number is equivalent to one. We know the mathematical fact that the power of any number is zero, then it is equivalent to one, okay? So the power of 2 is equivalent to 1, the power of 2 raised to power is 2, 2 raised to power 2 equal to 4, 2 raised to power 2 is equivalent to 2 cross 2 equal to 4, 2 to power 3 is equivalent to 2 cross 2 cross 2 is equivalent to 8, now 2 raised to power 4 equivalent to 16, 2 raised to power 5, it become to 2 raised to power 5 is equivalent to 32, 2 raised to power 6 is equivalent to 64, 2 raised to power 7 is equivalent to 128, 2 raised to power 8 is equivalent to 256, 2 raised to power 9 is equal to 512, 2 raised to power 10 is equivalent to 1024, 2 raised to power 11 is equivalent to 2048, 2 raised to power 12 is equivalent to 4096, and 2 raised to power 13 is equivalent to 8192. So guys, you have to make a note that 2 raised to power 10 is equivalent to 1024. You have to know about these abbreviation, okay? So guys, 1 GB is equivalent to 1024 into 1024 into 1024 into 8 can be written such as 2 to the power 10 into 2 to the power 10 into 2 to the power 10. 8 can be written as 2 to the power 3. So 2 raised to power 3. Okay. Now 1 GB become to 2 to the power 10 into 2 to the power 10 into 2 to the power 3 bits. Okay. It can be simplified as, in multiplication, when base is same, then the exponent can be added. Okay. Then 2 raised to power 10 plus 10 plus 10 plus 3. So 1 GB become to 2 raised to power 33 bits. Okay. You can make answer 1 GB is equivalent to 2 to the power 33 bits. Okay.
सो इन डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम द ऑप्शन इज गिवन, यू हैव टू गिवन ऑप्शन 2^33 बिट्स. ओके, यू कैन मेक सच टाइप ऑफ आंसर और इन द फॉर्म ऑफ 1024 × 1024 × 1024 × 8 bits. ओके, नाउ गाइस सम एब्रीविएशन रिलेटेड टू कंप्यूटर मस्ट बी आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जस्ट लाइक ASCII. ASCII, ASCII, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2017 UGC NET. ओके, द मीनिंग ऑफ ASCII इज अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ओके, ASCII means American Standards Code for Information Interchange. A means American, S means Standard, C means Code, I means Information, and I means Interchange. Okay? Digital versatile disk. This also asked in different type of competitive exam. DVD means Digital Versatile Disk. Friends, different books. The meaning of DVD is written. You can see different books. It can be making or not digital video disc, digital video disc, but V means not a video, digital versatile disc. Okay, and a DVD and a DVD can store data 4.7 gigabyte. Okay, one DVD can store maximum data 4.7 gigabyte. Okay. Its previous technology used to CDs. The full form of CD is compact disc. A CD can store data maximum 700 MB means megabyte. Okay. From previous compact disc is used after including new technology we developed DVD technology. DVD store 5 times of data 4.7 gigabyte. Okay. After that, guide, you have to know about LAN, MAN, WAN. These are the terms related to networking. Okay, the full form of LAN is local area network. The full form of MAN is metropolitan area network. The full form of WAN is wide area network. Okay, local area network. The speed of local area network can be ranges from 100 Mbps to 1000 Mbps. Okay, the speed of LAN is near about 100 Mbps. 100 Mbps the speed of LAN is 100 Mbps before 4 or 5 years, but using new technology in LAN it ranges from 100 to 1000 Mbps. Today's LANs are smart technology used. Okay, thus data transmission range of LAN is very less in compared to MAN and WAN. Okay, whereas the data transmission speed is highest. Okay, whereas we are talking about MAN. MAN stands for Metropolitan Area Network. The data transmission rate can be up to 10 Mbps. Okay, the data transmission rate of MAN is 10 Mbps, whereas the data transmission rate of WAN is 0 to 3 Mbps. Means the data transmission rate of WAN is lowest, whereas the geographical area covered by WAN is largest. Okay, you can make a comparison between LAN, MAN and WAN. Okay, you can make a comparison among LAN, MAN and WAN. Okay, you can make a comparison on the basis of data transmission rate and geographical area covered. You can say range. Okay, when
वी कनेक्टिंग रैम व्हेन वी कनेक्टेड लैन मैन व्हेन इन अ सीक्वेंस एंड वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओके देन जियोग्राफिकल एरिया यू कैन से रेंज इज इंक्रीजेज हियर एज व्हेन वी मूव रेंज इंक्रीजेज Whereas when we move right to left, the data transmission rate is increases. Okay. In other words, you can say LAN can be transferred data at highest rate. Whereas Data transmission of WAN is the lowest in point of range. The maximum range covered by WAN is highest and LAN covered very less geographical area. Okay? This is the comparison among LAN, MAN and WAN. Okay? So guys, I think the information which is provided by me is relevant for you. आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताई जानकारी आपके लिए फायदेमंद है तो चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और अगर आप न्यू यूजर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों को शेयर करिए थैंक यू